तो पेटीएम की तरफ से गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, फाइनली जो है रिसेंट में अपडेट आया है और फाइनली जो है पेटीएम केवाईसी नए यूजर भी करा पाएंगे। कुछ ये नया अपडेट जानने को मिला है। पेटीएम कस्टमर केयर से जो भी बात हुई है उन्होंने बोला है पेटीएम केवाईसी नए यूजर भी करा पाएंगे काफी इजीली। जो है पहले जैसे होता था आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाके शॉप पे आप लोग इजीली तरीके से जिस तरह से कराते थे उसी तरीके से होगा और काफ़ी इजीली जो है लेटर क्यूआर कोड लेटर ये सब भी अब कुछ जो है भेजा नहीं जाएगा और साथ में आप लोग की केवाईसी डन होगी संग संग और उसके बाद आप लोग पेटीएम यूज़ करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेविंग्स अकाउंट भी आप लोग खोल पाओगे। पेटीएम खुलने के बाद आप लोग जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट रिसेंट खुल जाता था उस तरह से होगा। यदि आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम भी होता है तो पैन कार्ड या आधार कार्ड में यदि नाम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच रहता है तो उस जगह आपका जो है सेविंग्स अकाउंट नहीं खुल सकता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और अपडेट होने के बाद आप अपना करेक्शन कराने के बाद फिर से अपना पैन नंबर बता देंगे तो आपकी जो है सेविंग्स अकाउंट भी खुल जाएगी। फिर फाइनली आप अपना पेटीएम UPI यूज़ करिए या वॉलेट यूज़ करिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा अपडेट पेटीएम की तरफ से निकल गया है और ये कस्टमर केयर से अभी जो है हमारे TL और जो है SSC हैं उन्हें ही बात हुई है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जल्दी अब जो है मई या अप्रैल के एंड में जो है पेटीएम KYC स्टार्ट हो जाएगी। जो नए यूज़र पेटीएम KYC हो रही है ऐसी बात नहीं, लेकिन नए यूज़र नहीं करा पा रहे थे तो उनकी भी होने लगेगी। तो ये कुछ अपडेट आया है और इसके बारे में मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया, हाँ उन्होंने भी बोल दिया है कि पेटीएम KYC नए यूज़र भी करा पाएंगे। जैसे पहले जैसे होता था RBI का रिस्ट्रिक्शन बैंड अब पूरी तरह से हटने वाला है जो पेटीएम के ऊपर लगाया गया था और साथ में जो नए यूज़र है KYC कराने के बाद लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन 3-3.5 लाख का मिलता है यदि उनका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा पेटीएम की तरफ से। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था और पेटीएम KYC जल्द ही स्टार्ट होगी। और फ़ोनपे गूगल पे यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो पेटीएम का ही डेबिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो है लास्ट 6 डिजिट डाल के UPI के तौर पे यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और साथ में आप लोग काफ़ी इजीली मनी ट्रांसफ़र रिचार्ज वगैरह बिल पेमेंट सारी फैसिलिटी ऑलरेडी सभी ऐप में ही है और पेटीएम में तो कुछ खास है। और मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे आप लोग लोड करिएगा तो आपको आप मेरे जो है BC एजेंट लिंक से लोड करिएगा पेटीएम का ऐप तो आपको काफ़ी अच्छा कैशबैक भी मिलेगा और साथ में आपको फर्स्ट UPI पे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। यदि आपका पेटीएम KYC नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई अदर बैंक है उसे भी आप ऐड करके पेटीएम का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से जो है आपका ट्रांजेक्शन लेन देन होता रहेगा। तो चलो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, बाय फ्रेंड।